वरेडिया गांव के एक घर से एक इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा को रेस्क्यू किया गया। भरूच के वरेडिया गांव में एक घर से इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा को रेस्क्यू किया गया। मानसून के मौसम में सांप और कोबरा जैसे जहरीले जानवर घूमते रहते हैं और लोगों की जान को खतरा पैदा करते हैं। भरूच जिले के वरेडिया गांव में अब्दुल भाई सितपोनिया के घर में सांप, जिसे वन्य जीवन की भाषा में स्पेक्टेकल कोबरा कहा जाता है, वो दिखने से हलबली मच गई थी। कोबरा दिखने पर बचाव के लिए पालेज के ग्राम पंचायत के उप सरपंच शब्बीर खान पठान से संपर्क किया और पालेज में रहने वाले मुबारक भाई पटेल को बचाव के लिए वरेडिया गांव भेजा। मुबारक भाई ने बड़ी मेहनत और साहस से जहरीले कोबरा को बचाया। लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव था कि मुबारक भाई इस काम में बहुत कुशल थे। उनके अनुसार जब भी ऐसे जहरीले जानवरों को पकड़ना हो तो बुलाए जाने पर वह उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके मुताबिक बचाया गया कोबरा भारत का दूसरा सबसे जहरीला कोबरा है। कोबरा को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। याकूब पटेल, भरूच। वरेडिया गामनी अंदर एक सांप निकलेलो छे तो हूँ स्नेक सेवर मुबारक पटेल तात्कालिक वरेडिया गाम पहुंची इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नु रेस्क्यू करी एने सारी रीते मैं रेस्क्यू करी लीधो छे। आ इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा छे तो कोई भी जीव जेवो कोई अकस्मात थाय के कोने कई कोई पण जातनो सांप कड़ी खाय तो कोई पण प्राइवेट हॉस्पिटले जवानी जरूर नथी तमारे। पालेज ની અંદર આપણે સરકારી દવાખાનામાં પણ ઇન્જેક્શન અવેલેબલ છે તો કોઈ પણ સરકારી દવાખાનામાં જવાનું પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જવાની જરૂર નથી કેમ કે ત્યાં ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ રહેતા નથી એટલે તમારે સરકારી દવાખાનામાં તાત્કાલિક પહોંચવાની કોશિશ કરવી અને આવું કોઈ પણ દિવસ તમને કંઈ મળે તો મારો સંપર્ક કરો મારો મોબાઈલ નંબર 9662625953 મુબારક પટેલ મારું નામ છે તમે અડધી રાતે પણ કોલ કરશો હું આપની સેવામાં હાજર રહીશ।